तू कैसे परेशान कर रहा लड़की को, हैं? क्यों परेशान कर रखा तूने? हैं? क्या परेशान कर रखा है? और क्या हो गया? आराम से बात करो प्लीज। मम्मी को कौन समझाएगा? समझाएगा कौन मम्मी को? नहीं समझा रहा, अपनी माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, और क्या करूँ, मार दूँ? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने फ्लैट पे जो गुनगुन को लेके दिया वहाँ आया हूँ, और आया इसलिए हूँ कि गुनगुन ने बोला कि बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग इसको, यहाँ पे आके ध्रुव रह रहा है उसके साथ में और उसकी मम्मी रह रही है। रहने में कोई बुराई नहीं है, उसकी मम्मी भी रहे और वो भी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि लड़की को परेशान कर रहे दोनों मिलके, एक तो मेरे फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की मैं उनको कमी नहीं रहने दे रहा, फिर मेरी लड़की तो खुश रहे कम से कम। मैं ध्रुव से बात करना चाहता हूँ कि मतलब आखिर परेशानी है क्या उसको, मतलब कहाँ दिक्कत है, अब तो मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, अब दोनों मियाँ बीबी और अच्छे तरीके से रहें, मैं तो यही चाहता हूँ बस। देखता हूँ मैं ध्रुव से बात करके कि क्या हो सकता है इस मामले में। गुनगुन नमस्ते। हाँ अभी तू कैसे परेशान कर रहा लड़की को, हैं? क्यों परेशान कर रखा तूने? हैं? क्या परेशान कर रखा है? और क्या हो गया? आराम से बात करो प्लीज। भाई यार ये क्या हर बार की बदतमीजी है, क्या हो गया, क्या परेशान किया, पहले तो आराम से बात करो। अब मुझे बता किस चीज की कमी है तेरे को, या क्या दिक्कत हो रही तेरे को? बात क्या हुई है, बात बताओगे? घुमाओ मत, सीधी सीधी बात करो। यहाँ पे ध्रुव मुझे परेशान कर रहा, ध्रुव की मम्मी मुझे परेशान करती है बहुत। तो मम्मी परेशान कर रही है, ये कर रही है, तो इसका फर्ज नहीं बनता उसको रोके? पापा ये रोकते हैं, ये मेरे साइड ही है पापा, ये बहुत बोलते हैं अपनी मम्मी को। तो समझाता क्यों नहीं है भाई? अरे भाई क्यों नहीं समझाता? पहली बार ना लड़की पहले देख तो सही। कितनी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, पूरी बात ना पता हो ना हाथ मत उठाना, वरना मेरा हाथ उठ देना, देर नहीं लगेगी। समझ में आ गई? तो किसी वजह से किसी वजह से हाथ उठाया आ जाए, क्या होता है तेरा मेरा कोई रिश्ता है? तेरा कोई रिश्ता है? आते ही हाथ उठाना इनको, पूरी बात पता क्या है? नहीं कर रहा मैं अपनी मम्मी को, समझा नहीं रहा क्या? प्लीज शांत हो जाओ, अपनी माँ के खिलाफ तक पुलिस कंप्लेंट कर दो। लड़की की हालत देख ले, लड़की को क्यों चिल्ला रहे हो? पापा है वो। अबे यार सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? हर कोई आ रहा है यार, पहले पूरी बात सुन लो, पहले हर किसी की सुनता रहा हूँ, हर किसी की सुनता रहा हूँ। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ध्रुव शांत, ठीक है शांत हो, ये नहीं कि अरे तेरे को समझाए बिना हम बताए बिना तेरे को कोई बात है? पूरी बात पता है, पता है मेरे को जो बताया भाई इसने, ये बताया मार बता दिया मम्मी परेशान सुन के यहाँ आ गए। क्या बोल रहे हो पापा के सामने, तुम पागल हो गए हो? ये तो देख लो, ये चीजें सही नहीं है ध्रुव, तेरे अंदर में उन्होंने परेशान कर रखा है इधर इनका। देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ, फैमिली ऐसी ही होती है, हमने भी परेशानी झेली है, अभी शुरुआत हुई जिंदगी की तुम्हारी। पापा आपको गलतफहमी हुई है पापा, मेरी बात सुनो, ध्रुव पूरा सपोर्ट कर रहा है मुझे, मम्मी की गलती है पापा इसमें, बेटा नहीं बताता ध्रुव पापा को नहीं। तो मम्मी को कौन समझाएगा? सुनो ना आराम से बात करो, मम्मी को कौन समझाएगा? समझाएगा कौन मम्मी को? नहीं समझा रहा, अपनी माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, और क्या करूँ, मार दूँ? नहीं ध्रुव देखो मारने की बात नहीं है उसको, फिर अगर नहीं अगर रह सकती है आप यहाँ पे तो वहाँ पे छोड़ो, अपने घर में वहाँ रहेंगे। है मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ खुशी खुशी अपना रहो, मेरा ये पर्पज है कि भाई तुम खुशी से रहो, इतना ही चाहता हूँ मैं। अरे भाई मैं उसको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूं, लड़की हर तरीके से बचा रहा हूं मैं तो। लड़की प्रेग्नेंट है उसके बारे में सोचो, उसको अगर बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है हर चीज का। मेरे को अंकल पता है ये बात, ठीक है, तभी उसके सपोर्ट में खड़ा हूं ना, हर चीज के लिए बचा रहा हूं, खड़ा हूं ना उसके आगे, उसको आगे नहीं उसके आगे मैं खड़ा हूं, उसको सपोर्ट कर रहा हूं हर चीज में। तो फिर मम्मी को क्या परेशानी है तुम्हारी? अब वो नहीं समझ आ रही, उसके लिए भी तो लड़ रहा हूँ ना अंकल, रोज मैं मर रहा हूँ ना हर जगह से। वो ऐसे 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 मेंटली टॉर्चर हो रही है लड़की मेरी, ऐसी ऐसी बातें कर देती है कई बारी। पापा बट सबसे बड़ी बात ये है ना कि ध्रुव साथ में है मेरा, मैं ठीक। तो ध्रुव साथ में है फिर बेटा, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, फिर कौन जिम्मेदार होगा? पूरा सपोर्ट कर रहा है, हर चीज का ध्यान रख रहा हूँ। और एक बात बताओ, चलो आप कह रहे हो आपको बात पता थी, आपको किसने बताई आधी बात? पूरी बात तो मेरे से सुनते, पहले तो ये बताओ आधी बात बताई किसने? पापा देखो नाम बताओ ना आप, ध्रुव एक मिनट शांत होकर बात कर लो प्लीज, रिलैक्स। बेटा मतलब हर चीज को सोच समझ के करो तो ठीक रखता है, अब तुम्हारी जो मम्मी ऐसे करेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो। पापा सारी बात यहाँ पे मैटर करती है, देखो कम से कम ध्रुव मेरा साथ तो दे रहा है, प्यार तो। अरे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे समर आपको तो पता है, समर तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा ना, मुझे सपोर्ट कर रहा है। देख भाई मैं तो देख इसकी पीठ पूछे पीछे भी कोई मेरे से पूछे ना तो मैं इसकी यही तारीफ है इसकी, जैसा आजकल का बेटा माहौल है ना, मतलब अच्छे खासे रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं, ये रिश्ता निभाने की जो इसके अंदर वो है ना, ये इसकी खासियत, यही तो
स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट करा, इसमें ध्रुव की गलती नहीं, ध्रुव की देख इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं सह सकता कि भाई तेरे को प्रॉब्लम हो कोई, और इस टाइम पे खास इस टाइम पे प्रॉब्लम हो। अब ये लड़की जल्दी से मुझे फ़ोन नहीं करती, किसी तरीके से बताती नहीं है, लेकिन अब जो मुझे पता चलता है फिर मेरा तो मूड हो जाता ख़राब बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि देखो हर चीज़ की सुविधा है, आराम से रहो, खुशी से रहो, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी की बात मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जब आप दोनों रह सकते हो आराम से तो मम्मी को तो आराम से वैसे ही रहना चाहिए। हर तरीके से समझा रहे अंकल, ठीक है, प्यार से समझा लिया, लीगल एक्शन लेके समझा लिया, हर चीज से तो समझा रहा हूँ मैं अभी। ऐसा इतना ज्यादा होता नहीं है, मतलब जैसे लीगल एक्शन भी बता रहे तो ले लिया, तो समझ नहीं आ रही बात है, ऐसे तो कोई नहीं होता, इतनी क्या उनको मतलब परेशानी है इससे। वो चीज नहीं समझ आ रही ना, घर छोड़ गया हूँ, घर नहीं रहना, रहना भी यही है, फिर दिक्कत। देखो मैं तो ये चीज जब आया था तब मैंने क्या बोला था इसको, ये बोला था ना कि भाई यहाँ पे रहने में वो नहीं है बात, लेकिन वहाँ पे मम्मी अकेली रह जाएगी, हम तो खुद चाहते हैं कभी फैमिली पूरी फैमिली की तरह रहे, से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात बोलूं, देखो आप बड़े हो, ठीक है, आप एक बार उनसे बात करना आराम से बैठ के क्लियर कि वो चाहती क्या है। बड़ी अजीब बात है, देखो आपकी भी गलती है, आपने एकदम से आके ध्रुव पे हाथ उठा दिया। ठीक है बेटा मेरी गलती है, लेकिन अब उम्र के हिसाब से देखो बीपी बढ़ जाता है या परेशानी, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं क्या करूं। पापा समझ रहे हैं, मतलब मैं नहीं चाहता, मैं जल्दी से किसी पे हाथ नहीं छोड़ता, और ना मैं चाहूँगा, मैं क्यों इसको भाई, इससे मेरी क्या दुश्मनी है, ये तो मेरा एक रिश्तेदारी तो है और इतना बड़ा रिश्ता है इसके साथ में, तो मैं मेरे को क्या खुशी है इसको, मतलब वैसे कोई भी नहीं है मेरे पर्सनली इससे, लेकिन सिर्फ ये है कभी बेटी दुखी होती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और कोई बात नहीं बेटा मेरी। बाकी मैं समझाता हूँ इसकी मम्मी को, बात करूँगा, मतलब एक हद है यार, एक लेडीज है वो भी, उसको समझना चाहिए, एक मतलब कमाल है उसको, मेरे तो परेशान है। देखे भी समझा लिया मैंने, कहा ठीक है, जो आप गुनगुन के साथ कर रहे हो, मेरे टाइम पे आपके साथ होता तब क्या होता, इतना सब अंकल हर चीज़ ये लगा लो ना, हर तरीका मैंने नहीं छोड़ा, उसकी तो गवाही है, इसके आगे की बात है हर चीज़। बहुत मतलब अजीब बात है, एक लेडीज़ हो के लेडीज़ की प्रॉब्लम तो समझनी चाहिए, ठीक है समाज के हिसाब से थोड़ा होता है ऊपर नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। वही वाली बात है ना, अब चलो ठीक है वो कॉम्प्रोमाइज करे भी, अब समय कितना लगता है उसमें, तो देखो ना वो जानते ना हम जानते, क्या क्या हम तो हर तरीके अपना सकते हैं ना, इसी उम्मीद में कि समझेंगे। बेटा मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहो, ठीक है, बाकी ये कि मम्मी का इनका बहुत दिक्कत है, ऐसे तो फिर एक हिसाब से तो धीरे धीरे करके तुम्हारे रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी, ऐसे तो ये फिर परेशानी होगी ना बेटा। हम दोनों में ना ध्रुव और मेरे में ना पापा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे बहुत ही अच्छी बात है बेटा, मैं चाहता ही हूँ कि अब जो टाइम गुजर गया पिछला उसको भूलना शुरू करो और आगे अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारो बेटा तुम। क्योंकि पापा अभी मैं बीच में मैं समझ के यहाँ भी गई थी, यहाँ से परेशान होकर मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था, फिर भी ध्रुव ने मुझे अच्छे से समझा, मेरे से बात करी, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया अब ध्रुव। अब बेटा देख ये तो समझदार है, अब तेरे को भी समझदार बनने की ज़रूरत है। ध्रुव ने मेरे से सारी बात सुनी फिर उसने मुझको समझाया, वरना पहले ये सीन होता था ना एकदम समर का नाम सुन के एकदम हो जाता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसी है कोई भी प्रॉब्लम आती है शुरू शुरू में वो बड़ी लगती है, धीरे धीरे फिर ये वो छोटी लगने लग जाती है, लेकिन तू भी बेटा समझदार बन, तू अपना घर बसाने की तरफ ध्यान दे, ठीक है। ठीक है इसकी मम्मी ने परेशान करके निकाला तेरे को, तो मतलब वहाँ ना जाती तो ज़्यादा अच्छा था। कोई नहीं चलो वो तो अब गई। नहीं बेटा मैं तो बेटा मुँह पे तेरे सामने मुँह पे बोल रहा हूँ इसको, मतलब इसको गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा मैं। पर अब तो गलती होगी अंकल, अब क्या करे, वो चीज़ समझ रही है वो भी, देखो बाकी अब मैं तो इतना भी कहता हूँ ठीक है, अगर मम्मी कुछ बोल रहे ना तुम इग्नोर करो, बाद में कुछ कहती है मैं बैठा हूँ ना देखने को। इग्नोर ही कर बेटा, वो तेरे साथ है ये सबसे बड़ी बात है। इतना तो है कि जब ऑफिस में भी ये बोल दिया घर से काम करने के लिए कि भाई ठीक है 24 घंटे यहाँ भी रहूँगा ना, अगर काम घर से भी कर रहा हूँ तो भी देख पाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी इसको जरूरत है मतलब तेरे साथ की, तो मैं खड़ा ही हूँ ना पहले भी। और बेटा तू भी समझदारी से आगे की जिंदगी गुजार ले, ठीक है, पिछला जो हो गया उसे भूल जा बेटा, उसी में ही फायदा अपना, और आगे फ्यूचर देखो अपना, ठीक है। ये तो घरों में छोट पुट तो बेटा लड़ाई झगड़े होते ही हैं, अब क्या कर सकते हैं, बोलूँगा उनसे बेटा, मैं समझा ही सकता हूँ, बाकी क्या बोलूँ मैं, मतलब लेडीज को आप भी बात क्या पता अंकल, शायद आपकी भी जैसे एज है, ठीक है आपको भी एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, उनको भी है, तो आप उस तरीके से समझा पाओ जो हम नहीं समझा पा रहे हो।
हाँ मैं पूछ सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, है होता ही है बेटा, एज फैक्टर का फर्क तो होता ही है। मानता हूँ मैं कि ठीक है हम आज के ज़माने में रह रहे हैं वो, लेकिन आपने पुराने ज़माने बहुत चीज़ें देखी हुई हैं, आपने हर चीज़ से निकले हुए आप भी। बेटा मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि मम्मी का भी थोड़ा नेचर चेंज हो और तुम खुशी खुशी आराम से रह सको। ये पूरा मत बदलो ये, क्या ठीक है थोड़ा बहुत चेंज हो गया एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो ना, वो भी बहुत हमारे लिए। कुछ नहीं है ना करो वो, देखो मैं तो ये देख लिया आजकल जो है ना दुनिया बहुत छोटी हो गई है, घरों में समा गई है, अपना घर जो परिवार है उसमें जो खुशी है वही खुशी है, बाहर की बात की। बेटा मैं तो उनको बात करके समझाऊंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस अब मेरी ये इच्छा है बेटा तुम खुश रहो हमेशा ना, ठीक है बेटा ध्यान रखो, आप भी ध्यान से जाना, ठीक है।